Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dagwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ovulation के बाद ऐसी कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे आप अपने implantation सफल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं. क्योंकि इस implantation सफल होगा तभी जाके प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है. implantation सफल होने का मतलब है एम्ब्रियो यूटरन लाइनिंग में सक्सेसफुली अटैच हो गया है. क्योंकि कई बार ये होता है फीमेल का एग तो फर्टिलाइज हो जाता है बट एग फर्टिलाइज होने के बाद यूटरन लाइनिंग में ठीक तरीके से अटैच नहीं हो पाता जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती. अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका implantation फेल हो रहा है, गर्भ नहीं रुक पा रहा है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा. क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो हर एक महिला फॉलो कर सकती है जिससे अपने इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी आप नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. और ये चीजें फॉलो करने से आपका गर्भ भी 9 महीने के लिए रुकेगा जिससे आप हेल्दी प्रेगनेंसी भी सस्टेन कर पाएंगे. तो देखिए क्या होता है गाइज, इम्प्लांटेशन को सफल बनाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सबसे पहला यूटरल लाइनिंग का ठीक तरीके से ग्रो होना और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंक्रीज होना. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नॉर्मली केस में क्या होता है, ओवुलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो ओवुलेशन के 5वें दिन के बाद से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है. अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो गर्भ को रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज रहता है. तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके साथ यूटरन लाइनिंग का भी ठीक तरीके से ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यूटरन लाइनिंग पे ही एम्ब्रियो 9 महीने की प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है. तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको लेग ऑफ द वॉल पोज, जिसे हम विपरीत करनी आसना भी बोलते हैं, ये एक ऐसा आसन है जो ओवुलेशन के बाद हर एक फीमेल कर सकती है. बिल्कुल सेफ आसन, क्योंकि कई फीमेल्स को पता है कि लेग ऑफ द वॉल पोज सिर्फ कॉन्टैक्ट के बाद स्पर्म को सपोर्ट करता है, स्पर्म को हेल्प करता है एग तक पहुंचने में. बट महिलाओं को ये नहीं पता है कि लेग ऑफ द वॉल पोज करने से इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. क्योंकि जब आप लेग ऑफ द वॉल पोज को करते हैं तो ये आपके यूट्रस में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है. और जितना अच्छा यूट्रस में ब्लड फ्लो होगा उतनी अच्छी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जिसे हम यूटरन लाइनिंग कहते हैं, वो इंक्रीज होगी जिससे फीमेल के इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. तो लेग ऑफ द वॉल पोज को आपको एज एन एक्सरसाइज ओवुलेशन के बाद बिल्कुल करनी चाहिए जिससे आप बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं. इसके साथ गाइस जो दूसरा चीज आपको करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. हर कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ओवुलेशन के बाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओवुलेशन के बाद का जो फेज होता है, इम्प्लांटेशन का फेज, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है. यहाँ पे कई सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, कई चीजें नहीं करनी चाहिए और कई चीजें करनी चाहिए. जो चीजें नहीं करनी चाहिए उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए, सावधानियां बरतिए और अपने इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ाइए. इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए. तो इसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन फीमेल की बॉडी में इंक्रीज नहीं होता है जिससे हार्मोन ठीक तरीके से काम करते हैं. यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल की बॉडी में ठीक तरीके से काम करते हैं जिससे फीमेल का गर्भ ठीक तरीके से रुक पाता है और जिससे फीमेल 9 महीने की प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाती है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं. इसके साथ आप वॉक भी कर सकते हैं और कोई अदर एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए. जैसे एब्डोमिनल एक्सरसाइज अगर आप कर रहे थे ओवुलेशन से पहले, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है. इसके साथ जो तीसरा काम आपको करना है वो है प्रोजेस्टेरोन रिच फूड्स. प्रोजेस्टेरोन रिच फूड्स होते हैं जो आपके क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे जो मूली की फैमिली से होते हैं, जैसे गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली. ये चीज़ें अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, इससे आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज रहेगा जिससे आपका 9 महीने के लिए गर्भ भी ठहर पाएगा, यानी रुक पाएगा. इसके साथ आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी लेना है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल में अच्छे अमाउंट में फ्लैट होता है, फॉलिक एसिड होता है, जो गर्भ को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो 101% आपका इम्प्लांटेशन भी सफल होगा और साथ में आप प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएंगे. सो होप करती हूँ गाइस इस वीडियो से आप अपने इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं. एंड यही है आज का वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.